हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राजू भाई और आज आपके सामने यामा एरोक्स 155 मोटरसाइकिल दिखाने वाले। इसके अंदर काफ़ी नीडफुल और थोड़ी सी डिसेंट भी दिखाऊंगा। सबसे पहले दिखाऊंगा क्रैश गार्ड जो कि इसमें लगा हुआ है। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग हो जाती है, साथ में सेफ्टी भी रहती है आपकी पूरी बॉडी की, क्योंकि जब भी गाड़ी गिरती है तो बॉडी पे हार्म पहुँचता है, बॉडी टूटती है, ख़राब होती है, स्क्रैच होता है, इसे लगने से आपका वो सारा होता है पूरी तरीके प्रोटेक्ट। और उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर लगा दिए गए लीवर। देख सकते हैं ये हैं इसके लीवर जो कि इसे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। इसे लगाने के बाद एक तो कलर हो जाता है चेंज, साथ में एडजस्टिंग भी होती है जिससे आप अपने फिंगर के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो जैसे मर्जी। सेम इधर सेम मिलता है आपको इस तरफ। और उसके बाद आपको देखने मिलेगा गोल्डन कलर के, इसके अंदर मिलेगा आपको वाइजर जो कि मिलता है आपको मोटोजेंस ओरिजिनल। ये आपका मिलता है ऊपर से होता है एल्यूमिनियम, नीचे आपका होता है मेटल का, तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी जो इसके अंदर लगा दी गई है। और इसके बाद साथ में देखने मिलेगी फॉग लैंप जो कि लगा दी गई है क्री वाली HJG क्री। रोशनी आपको चेक कराता हूँ इसकी कैसी होती है। देखिए इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या, देखो अभी ना लंबी है, अब मैं चाहूँ तो इसको बड़ी भी कर सकते हो, जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो दूर के लिए भी और पास के लिए भी, ये आपके अकॉर्डिंग है आप कैसे सेट करना चाहते हो इसको, कैसे नहीं देख सकते। दोनों में मिलेगा आपको फोकस, ये चीज़ ये आपको मिलेगा दोनों तरफ, ये नहीं एक तरफ, दोनों तरफ मिलेगा आपको ये चीज़। तो ये है इसके अंदर। इसके बाद में लगा देगा स्क्रीन गार्ड जो कि देख सकते हो मीटर के अंदर, ये पहले मीटर के अंदर ना स्क्रीन गार्ड आता नहीं था बट अब इसका आ चुका है, तो आप देख सकते हो ये लगा दिया है। इससे आपका क्या होगा, जो मीटर पे स्क्रैचेस वगैरह आते हैं ना वो आते हैं पूरी तरीके से सेफ। और जो फॉग लैंप का बटन है वो देख लो किस तरीके का बटन होता है, ये देखिए ये इसके अंदर बटन लगाया है ऑन ऑफ करने के लिए। इसके अंदर इंटरनल बटन है, एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं है, बिल्कुल अंदर फिटिंग है जो कि कुछ आपको देखने मिलेगी इस तरीके से। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर बैक साइड में ये भी क्रैश गार्ड है इसका, साथ में मिलता है आपको लेडीज़ फुट रेस्ट जो कि लगा दी गए। इधर आपको मिलता है ये आपका स्मोक कलर का फिल्टर कवर, ये स्मोक कलर का फिल्टर कवर जो कि इंस्टॉल कर दिया गया, लुक को काफ़ी एनहांस कर देता है इसे लगने के बाद। और बैक साइड में देखें तो टेल टेडी, ये भी गोल्डन कलर टेल टेडी लगा दी गई इसके अंदर, देख सकते हैं ये है गोल्डन टेल टेडी CNC वाली, ये भी इसके अंदर फिट कर दी गई है, पूरा प्रॉपर फिटिंग है। नीचे आपको देखने मिलेगा इसके अंदर कार्बन प्लस गोल्डन का आपका टायर अगर, जिससे लुक काफ़ी एनहांस हो जाता है इसे लगने के बाद। और देख सकते हो साथ में ना सेफ्टी भी इससे हो जाती है, जितनी डस्ट वगैरह होती है ना वो भी आगे जाने से हो जाता है कंट्रोल, फुल कंट्रोल हो जाती है और लुकिंग तो बड़ी हो जाती है। साथ में मिलते हैं पीछे इंडिकेटर, ये देखिए ये इंडिकेटर हैं आपके जो आपको इधर भी मिलते हैं आपको इंडिकेटर, ये बुलेट इंडिकेटर लेटेस्ट वाले, इसमें नीचे ही मिलेगा आपको इंडिकेटर, देखिए देख रहे हो आप काफ़ी ज़बरदस्त रोशनी है इसके नीचे भी और आपका मिलती है सामने की तरफ भी, तो काफ़ी अच्छी रोशनी है, नंबर प्लेट विजिबल हो रही है इससे पूरी तरीके से। और आप लुक चेकआउट कर लो, और ये ना जो पहले आते थे बुलेट वाले उससे थोड़े से लॉन्ग साइज़ के, थोड़े से बड़े हैं, तो काफ़ी प्रीमियम लुक हो जाती है इसे लगने के बाद। तो ये थी इस बाइक की मॉडिफिकेशन स्कूटर की। और अब मिल बातों में इसके कस्टमर से जिनकी ये बाइक है उनको ये काम करा के कैसा लगा। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया। तो बताइए कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया काम लगा जी, इसके जो लीवर आए लीवर की लुक बहुत प्यारी आ रही है, और जो इससे लुक आई है और एनहांस हो चुकी है इसकी लुक, तो पीछे वो विंग टेल भी बहुत प्यारी लग रही है इसकी। ऑल अबाउट सैटिस्फाइड हैं आप? बहुत सैटिस्फाइड हैं इससे, तो काम से रेट से बहुत बढ़िया रेट से भाई इसके बिल्कुल भाई के बाद राजू भाई से तो सैटिस्फाइड है, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये तो मजाक कर दिया उन्होंने मेरा। अबे नहीं चले फिर चलते तो फिर तो अगर कोई आना चाहे तो क्या रिकमेंडेशन रहेगी राजू भाई पर आना, ये इनकी जो है मॉडिफिकेशन बहुत प्यारी करते हैं, ये करोल बाग के अंदर इनका दुकान मिल जाएगी और इतनी प्यारी इनहेंस कर देंगे आपकी गाड़ी जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी गाड़ी है ये खुद की। थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम। चलो जी, तो ये थी भैया की बाइक की स्कूटी की मॉडिफिकेशन, भैया का रिव्यू आपने देख ही लिया है। क्या सच में स्मार्ट लग रहा हूँ क्या मैं या भैया मजाक कर रहे हैं मेरा, बताना जरूर कमेंट करके यार। यार खामा का पता लगा मैं कल को फिर से कुछ लुक चेंज करनी पड़ जाए मुझे। तो वीडियो चलो जिनको लाइक से जरूर राजू भाई SKD को, क्योंकि मिलेगा आपको YouTube पर भी सेम मिलता है आपको Instagram पर भी, जिसको अच्छी लगे वो भी सब्सक्राइब, जिसको नहीं अच्छी लगे वो भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट कर बता जरूर देना यार। भाई के भी शब्द थे और मैं भी पूछ रहा हूँ यार कैसा लग रहा हूँ, मैं भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग्स बनाता रहता हूँ और बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए कुछ अलग लुक के साथ। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, जय श्री राम, जय मंदिर, गुड बाय।